भारत की ताकत का डंका दुनिया में बज रहा और अब भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया है उसे देखकर भारत के मित्र देश भी उसकी राह पर चलने लगे। अब दोस्त रूस ने तैयारी कर ली है चांद पर झंडा गाड़ने की और वो भी पहली बार। रूस के मिशन का नाम है लूना 25। इसकी लॉन्चिंग 10 अगस्त 2023 को हो सकती है। अब क्या रूसी स्पेस एजेंसी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के खिलाफ प्रतियोगिता कर रही? यूक्रेन पर हमला करने के बाद पहली बार रूस किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह के लिए अपना मिशन भेजने को तैयार हुआ। इसे लूना ग्लोब मिशन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं इस मिशन के बारे में कुछ खास बातें। लूना 25 5 दिन की यात्रा करके चंद्रमा के पास पहुँचेगा, फिर 5 से 7 दिन वो चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास तय किए गए 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर लैंड करेगा। ये बात तय है कि रूस का मिशन ताकतवर होगा। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि पानी बनाया जा सके। और इसे लेकर रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा, हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के खिलाफ प्रतियोगिता नहीं कर रहे, हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग है। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी न तो टक्कर होगी न हम किसी के रास्ते में आएंगे, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। इस मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी लेकिन ये अब जाकर पूरा होने वाला है। वैसे रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी लेकिन जापान ने तो साफ मना कर दिया। और इसके बाद रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के इसरो के साथ भी अपने मून मिशन में मदद करने की अपील की थी लेकिन बात नहीं बन सकी। इसके बाद रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई। अब देखा जाए तो चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते काम करेगा जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। लूना 25 का वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र हैं। इसमें एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा ताकि फ्रोजन वाटर या जमे हुए पानी की खोज की जा सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा सके। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाहती थी लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हुई। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी पायलट डीम नेविगेशन कैमरा की टेस्टिंग करना चाहता था लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने नाता तोड़ लिया। खैर कुछ भी हो लेकिन भारत ने जिस तेजी से अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ा वैसे ही अब दुनिया के दूसरे देश या यूं कह ले भारत के मित्र देश भी उसी गति से अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने लगे हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है रूस के इस मिशन को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।